अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर टुडेज़ टॉपिक इज़ प्लीअ पहलेबाए। प्लीअ पहलेबाए एक किस्म का प्ली है जो एक्यूज्ड अपने डिफेंस में लेता है जब उसने ये साबित करना हो कि जिस जुर्म में वो नामजद है उस जुर्म के जाय वकूआ और उस जुर्म की अकरंस के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो जाय वकूआ से इतना दूर था कि उसकी मौजूदगी जाय वकूआ पर मुमकिन ही नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक वकूआ लाहौर का है और वो साबित करता है कि वो उस वक्त जिस वक्त वो जुर्म हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान में था, और वो ये साबित करेगा कि ऐसा इम्प्रोबेबल है कि वो इतने कम टाइम में जुर्म करके फ़रार होकर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच सके। इसकी लीगल प्रोविज़न आर्टिकल 24 क्लॉज 2 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 है। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट If by themselves or in connection with other facts, they make existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. For example, the question is whether A committed a crime at Peshawar on a certain day. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. The fact that near the time when the crime was committed A was at the distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant. ये प्लीअ पहलेबाए की लीगल एग्जाम्पल थी। अब मैं आपको इसकी फ़नी एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक दफ़ा पुलिस ने जुआ खेलने के इल्ज़ाम में चार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चालान अदालत में पेश हुआ। शहादत के वक्त पहला मुलज़िम सरकारी हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट ले आया कि जनाब मैं तो उस दिन हॉस्पिटल में था। दूसरा मुलज़िम अपने ऑफिस का हाजिरी रजिस्टर ले आया कि जनाब मैं तो ऑफिस में मौजूद था। तीसरा मुलज़िम बस का टिकट ले आया कि जनाब मैं उस दिन शहर में मौजूद ही ना था। चौथा मुलज़िम बोला, जैसे अब सारी गल्लां छोड़ो, तुसी मैनू ये दसो कि कभी बंदा कल्ले भी जुआ खेल सकदा है। लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। एलिबाय हैज टू बेसिक इंग्रेडिएंट्स। नंबर वन, अ डिफेंस बाय एन एक्यूज्ड पर्सन दैट ही वॉज एल्सवेयर एट द टाइम द क्राइम इन क्वेश्चन वॉज कमिटेड एंड एविडेंस टू प्रूव दैट। अगर मुलज़िम मुल्क से बाहर है और उसने अपनी प्ली लेनी है, प्ली पहलेबाए लेनी है कि वो बाहर था मुल्क से जब ये वकूआ हुआ, तो उसके लिए उसको अपना पासपोर्ट, टिकट वगैरह सपोर्टिंग एविडेंस देनी पड़ेगी। और अगर मुलज़िम और वकूआ एक ही शहर का हो, तो मिसाल के तौर पर वकूआ लाहौर रावी रोड के मुकाम का है, जबकि मुलज़िम एक फुटेज दिखाता है कि देखें ये वकूआ 4 बजे का है, जबकि 4:10 पर मैं लाहौर वाघा बॉर्डर की तकरीब देख रहा था, परेड देख रहा था, तो ये प्रोबेबल ही नहीं है, हाईली इम्प्रोबेबल है कि मैं 10 मिनट में जुर्म करके दूसरी जगह पहुँच जाऊँ। अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।